Hi friends, good morning. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. जैसे कि बच्चों आपको पता है इस 12th क्लास के जो इंग्लिश सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं इसमें जो चैप्टर हमने टच किया है वो है अ फेलो ट्रेवलर। इस अ फेलो ट्रेवलर में हमने तीन पैसेज को पढ़ा दिया बच्चों, चौथे पैसेज को लेके आया हूँ। इस चौथे पैसेज को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक छोटी सी फॉल्ट यहाँ पे ये है कि जो इसमें कुछ ऐसे दो लाइंस हैं जो इसके आगे हैं जो मैं इस पेज पे नहीं दे पाया, तो हम वहाँ से इसको रिसाइट करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर, इट वॉज ऑल इन बैन ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑसेसली लाइक स्किलफुल मेटाडोर फैंसिंग अराउंड एंड इनफ्यूरिएटेड। सो फ्रेंड्स जस्ट यू सी हियर, बट इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग himself that it was for this that he had disturbed my repose. He wanted a little sport, and what sport like be chased by the huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. So friends, in next line, I began to enter in the spirit of the my fellow. He was no longer a mere insect. He was developing into a personality and intelligence that chasen of this the compartment with me an equal term. I felt my heart warming toward him and the sense of superiority fading. बस फ्रेंड्स यहीं तक हम इसको रिसाइज करने वाले हैं। तो अब इसको मैंने एक बार रिसाइज किया, आई थिंक आपके पास बुक होगा, आप खोल रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो हम सोचते हैं इसको रिपीट करने से पहले एक बार इसकी मीनिंग को हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मीनिंग है जो दूसरे वाले पेज पे आपको मिलेगा जहाँ से इसकी पैसेज स्टार्ट हुआ है, उसमें एक मीनिंग है वेन मतलब व्यर्थ होता है, और ओपनली मतलब खुले रूप में, आउटसेंसली मतलब होता है दिखावे के लिए, स्किलफुल मतलब होता है कुशलताओं से भरा हुआ, मेटाडोर मतलब होता है एक लड़ाकू सांड जिसे कहते हैं बैल की तरह से, फैंसिंग मतलब चलाकी की तरफ से, इनफ्यूरिएटेड मतलब क्रोधित किया। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है, इन्जॉइंग मतलब आनंद लेते हुए होता है, और आगे की जो मीनिंग है डिस्टर्ब मतलब बाधा पहुँचा है, रिपोज मतलब आराम में, और यहाँ पे लिखा स्पोर्ट मतलब खेल समझ रहे होंगे। जो दूसरी मीनिंग है यहाँ पर चेज्ड मतलब पीछा किया, यूज मतलब बड़ा और विशाल, लंबरिंग मतलब बेहूदगी तरीके से, वाइनफॉल मतलब पौनचक्की की तरह से, ऑफ क्रीचर मतलब एक प्राणी, हु टेस्टेड मतलब जिसने आनंद लिया, और सिम्ड मतलब प्रतीत होता है, और नेक्स्ट मीनिंग स्टूपिड मतलब मूर्ख, ये तो पता ही होगा। आगे की मीनिंग बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, इंटर मतलब प्रवेश किया, स्प्रिट मतलब आत्मा में होता है, फेलो मतलब मित्र होता है, लॉन्गर मतलब और अधिक लंबे समय, मियर मतलब एक सीमा तक, इंसेक्ट कीड़ा होता है, कीड़े मकोड़े, डेवलपिंग मतलब वृद्धि कर रहा था, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व में, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान, चैलेंजर मतलब चुनौती दिया, पोजेस मतलब अधिकार का, कंपार्टमेंट मतलब ये तो पहले ही पता है रेलगाड़ी का डिब्बा होता है, इक्वल मतलब बराबर होता है, फेल्ट मतलब महसूस किया, वार्मिंग मतलब गर्मजोशी के साथ, और टुवार्ड्स मतलब की ओर, सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता होता, फेडिंग मतलब गायब होते हुए। बस फ्रेंड यहीं तक पढ़ना, आगे के पेज में जब आएंगे लेकर के तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं बच्चों अर्थ बताने की। अब हम जो पैसेज डिसाइड किए हैं उसके हम अर्थ को बताएंगे हिंदी में। हिंदी अर्थ बताने से पहले मैं सोचता हूँ कि जो दो लाइन है उसको पढ़ करके उसके अर्थ को बता देते हैं। स्टार्ट करने से पहले पिछले पैसेज को देख लेते हैं बच्चों। उसमें बताया था कि मैंने जो लेखक है हर संभव प्रयास करता है कि मच्छर को मार दें, लेकिन अंततः वो मच्छर को मार नहीं पाता, उसकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। तब वो लास्ट में खिसियानी बिल्ली खंभा नोची की तरह से लेखक अपने आप में कहता है, इट वॉज ऑल इन बैन, सारा का सारा मतलब व्यर्थ था, मेरे किए का कुछ भी परिणाम नहीं मिला। ही प्लेड विथ मी, उसने मेरे साथ खेला, ओपनली एंड आउट सेंजी, वह दिखावे के रूप में वो खेल रहा था, मैं भी उसके साथ खुले रूप में खेल रहा था। लाइक स्किलफुल मेटाडोर मतलब एक जो लड़ाकू जो कह सकते हैं बैल होता, सांड होता, उसी के तरीके से मैं लड़ रहा था चलाकी के साथ, राउंड
इन्फ्यूरिएटेड मी, और वह मुझे क्रोधित किया, वो मुझे क्रोधित कर रहा था और मैं उसके पीछे क्या कर रहा था, भाग रहा था। और हम दोनों के बीच में एक प्रकार का ये गेम चल रहा था, कोई एक दूसरे के साथ सिकवा गिला नहीं थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, इंटरटेन कर रहे थे। देखा है, लिखा बच्चों यहाँ पे देखेंगे, इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, कट एंड क्लियर था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह मतलब कन्फर्म था, स्पष्ट था कि वह अपने आप में आनंद ले रहा था। दैट मतलब कि इट वॉज फॉर दिस दैट, यह उसके लिए था, ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, अर्थात वो अपने आप में आनंद ले रहा था, लेकिन उसको मैंने अपने आप में क्या समझ लिया, अपना मतलब बाधा समझ लिया, और इस तरीके से उसने मेरे आराम में क्या किया, बाधा पहुंचाया, उसने मेरे वो अपने आराम में क्या किया, मेरे आराम को क्या किया, बाधा पहुंचाया। लिखा है आगे, ही वॉन्टेड, वह चाहता था अ लिटिल स्पोर्ट, वह चाहता था कि एक छोटी सी खेल खेलना, एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइल्ड मेल ऑफ द क्रीचर। कह रहा फ्रेंड्स यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे एक बार और, यहाँ से लिखा है, ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह छोटी सी एक खेल खेलना चाहता था, एंड वाट स्पोर्ट लाइक बींग चेज, और खेल कुछ इस प्रकार से था कि चेजिंग, अर्थात वो भागेगा, मैं उसके पीछे उसको क्या करूँगा, दौड़ूंगा, फुल खेल कुछ इस तरीके से था, बाई दिस यूज लंबरिंग, मतलब जो बेहुदा कह सकते हैं वाइल्ड, मतलब पौनचक्की की भांत आप क्रीचर, अर्थात जो मैं एक बड़ा बेहुदा पौनचक्की की तरह से उसके पीछे गोल गोल घूमने वाले की तरह से वो भाग रहा था, और मैं इसके पीछे क्या कर रहा था, भागते हुए जा रहा था। हु टेस्टेड, जिसने उसने मुझे क्या किया, आनंद दिया, चाहे स्वाद लिया, सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इस तरीके से वो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा, और इस तरीके से प्रतीत हुआ कि मतलब बहुत असहाय है, एंड सो स्टूपिड, और मूर्ख, और इस तरीके से लगा कि मैं उसके पीछे एक बहुत बेहूदगी तरीके से पौनचक्की की मात उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, वो भाग रहा है, और एक कह सकते हैं कि एक ऐसे प्राणी के रूप में जो मुझे भरपूर आनंद दे रहा था, ऐसे पता चल रहा था कि एक कह सकते हैं कि असहाय की तरह से, मूर्खों की तरह से उसके पीछे मैं क्या कर रहा था, भाग रहा था। आगे की लाइन में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा है, I began to enter मतलब मैंने प्रारंभ कर दिया, to enter मतलब प्रवेश करना, मैं प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया, in spirits मतलब उसकी अंतरात्मा में, of a fellow अर्थात धीरे धीरे जब मैं उसके पीछे भाग रहा था, वो भाग रहा था, इस भागने के क्रम में मेरे हृदय में उसके प्रति थोड़ा सा प्यार उत्पन्न हो गया, और मैं उसके हृदय में एक मित्रता का जन्म लेने लगी थी, अर्थात उसके मन में एक जन्म ये हो गया कि हम दोनों में लग रहा था धीरे धीरे मित्रता बढ़ गई। ही वॉज नो longer a mere insect मतलब एक समय तक लगा कि वो मतलब एक कीड़ा मकोड़ा, एक मच्छर है, लेकिन जब वो भाग रहा था, मैं उसके पीछे दौड़ा रहा था, तो ऐसा नहीं लगा कि वो कीड़ा था और मैं उसके पीछे एक बहुत सुपीरियर व्यक्ति दौड़ा, ना, ये दोनों एक दूसरे को भूल गए थे, और लगने लगा था कि वो मेरा एक मित्रता, हम दोनों के बीच में एक नई रिश्ता जन्म ले रही है। लिखा, ही वॉज डेवलपिंग, वह वृद्धि कर रहा था, इन टू पर्सनालिटी, और इस तरीके से धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, और वो उसका मतलब कह सकते हैं व्यक्तित्व दिन मतलब समय दर समय उसका व्यक्तित्व में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, अर्थात उसकी जो कह सकते हैं पर्सनालिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एंड इंटेलिजेंट दैट मतलब वह ये जो मच्छर था वह बहुत बुद्धिमान था। चैलेंजेड मतलब चुनौती दिया, अपोजिशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, और इस तरीके से उसने मुझे एक चुनौती दिया कि हम दोनों क्या हैं, एक अधिकार है इस डिब्बे में, विद मी मतलब मेरा भी इक्वल टर्म, अर्थात जो वो मित्रता था उस मच्छर से, उन दोनों से लगा कि जितना अधिकार मेरा इस डिब्बे में है, इतना ही अधिकार किसका है, उस मच्छर का भी, अर्थात दोनों का व्यक्तित्व तो एक समान है किसी प्रकार का। लेकिन इससे पहले पैसेज में लेखक ने क्या कहा था, लेखक ने कहा था तुम हमारे हो, तुम बिना टिकट का यात्रा करने वाले हो, तुम्हारे पास कूपन नहीं, ये सारे दोष लगाए थे, लेकिन सारे दोष सिकवा गिला यहाँ पे ख़त्म करके कहता है कि हमारा जितना अधिकार है इस ट्रेन के डिब्बे में, उतना तुम्हारा भी अधिकार है। आगे की लाइन में कह रहा है, बच्चों देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, आई फेल्ट माई हार्ट मतलब मैंने हृदय में अपने स्वीकार किया, वार्मिंग टुवार्ड हिम अर्थात मैं उसके अपने हृदय में लगा कि वो मेरा कुछ वार्मिंग मतलब गर्मजोशी के साथ अपना महसूस करने लगा था, जैसे लगा कि वो मच्छर हमें एक बहुत मतलब कह सकते हैं गर्मजोशी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
एंड दिस सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और हमारा जो सुपीरियरिटी का जो श्रेष्ठता का जो हमारे पास एकदम था जो गुरूर था वो खत्म होने लगा था, और जो मच्छर और हम दोनों एक समान थे, दोनों एक इक्वल थे। तो फ्रेंड्स आगे की लाइन में जब पेज लेकर के आएंगे तो उसमें हम हाउ कुड आई से वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स हाय बच्चों, इस पेज में एक बार रिसाइट करते पुनः एक बार, हाउ कुड आई फील द सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वॉज नो मैनिफेस्टिंग ऑफ माई मास्टर इन द वनली कंपटिशन इन विच वी हैड यूर इंगेज्ड, वाई नॉट बी मैग्निमिनियस अगेन। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट टू ऑफ अ मैन इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी। I could recover my prestige. At present, I was ridiculous figure, a thing for laughter and desertion. By being merciful, I could reassess the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death. I said, returning to my seat, I can't kill you, but I can reprieve you, I do it. So friends, अब एक बार चर्चा इसमें और कर लेते हैं, जो इसमें डिफिकल्ट मीनिंग है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, जैसे पिछले टर्म पे था, क्रीचर मतलब प्राणी, मैनिफेस्टिंग मतलब पूर्ण रूप से, कट एंड क्लियर अस्पष्ट, मास्टर मतलब मालिक कह सकते हैं, वनली मतलब मात्र, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा चाहे कर सकते हैं संघर्ष में, और इंगेज मतलब देख सकते हैं व्यस्त थे, हिस्सा लिए थे, एंड मैग्निमिनियस मतलब होता है उदार, और मैग्निमिटी मतलब होता है उदारता, मर्सी मतलब दया, नोबलेस्ट मतलब सबसे अच्छा, एट्रीब्यूट मतलब होता क्वालिटी, यू में से गुड कह सकते हो, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, और क्वालिटी मतलब भी गुड होता है, रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना, प्रेस्टाइज मतलब सम्मान, और प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, रिडिकुलस मतलब बेकार, फिगर मतलब व्यक्ति यहाँ पे होगा चित्र से नहीं होगा, लाफ्टर मतलब हंसने वाला, डेरिशन मतलब होता है उपहास, और फ्रेंड्स जैसे मर्सीफुल मतलब दया होता है, रिश्रेष्ठ मतलब फिर से मारना, और डिग्निटी मतलब सम्मान होता है। नेक्स्ट जो मीनिंग है यहाँ पे, कॉर्नर मतलब कोना होता है, विड्रा मतलब अनुमति दे दिया, ख़त्म कर दिया, रिटर्निंग मतलब वापस लौटते हुए, किल मतलब मारना होता है, रिप्राई मतलब सजा टालना होता है चाहे हटा देना। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसके अर्थ को स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि देखेंगे यहाँ पे, जैसे कहता है यहाँ पे इसकी पिछले अगर सेंस की अगर हम बात करते हैं वीडियो में, तो उसमें बताने का प्रयास यही किया है, जो दूसरा पेज था इससे पहले जो मैं लेकर के आया था, तो उसमें यही बताता है कि दोनों इस सुपीरियरिटी की लड़ाई में जो लेखक का जो सुपीरियरिटी था श्रेष्ठता वो क्या होने लगा था, गायब होने लगा था, और मच्छर को ये ज़्यादा महत्व देने लगा था, अर्थात मच्छर को श्रेष्ठ समझने लगा था। कह रहा है यहाँ पर, हाउ कुड आई फील, मैं कैसे समझ सका, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, मैं कैसे श्रेष्ठ समझ सका टू अ क्रीचर मतलब प्राणी, मैं कैसे एक सुपीरियर प्राणी के रूप में अपने आप को समझ सका, हु वाज सो मैनिफेस्टिंग, जो स्पष्ट रूप से था माय मास्टर इन द वनली कंपटीशन। कह रहा है ये जो हम दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, जो कंपटीशन चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, इसमें वो सबसे श्रेष्ठ था, मैं अपने उस मालिक को कैसे, मैं इतना छोटा प्राणी, मैं उससे कैसे अपने आप को श्रेष्ठ समझ लिया। कहता है इन विच मतलब जिसमें, वी हैड यूर इंगेज, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ उलझे रहे, हिस्सा लिए रहे, और कंपटीशन में भाग लिए, कि वो भाग रहा था मैं दौड़ा रहा था, किस तरीके से मैं अपने आप को उस मच्छर से अपने आप को मैं श्रेष्ठ समझ लिया, ये लेखक अपनी मनोव्यथा को अर्थात तो कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मच्छर जो है इस संघर्ष में वो क्या है, मेरा मालिक है, वह मुझसे श्रेष्ठ है, मैं उससे छोटा हूँ। Why not be magnanimous again? क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हो जाएं? उदार हो जाएं। Why not be magnanimous? क्यों ना उदार हो जाएं कि हम मच्छर के प्रति हो जाएं और मच्छर मेरे प्रति हो जाए, जबकि दोनों में किसी प्रकार की भावना है ही नहीं लड़ाई की, तो हम क्यों एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे। फिर पुनः लेखक बताने का प्रयास कर रहा है, मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। कह रहा है मैग्निमिटी मतलब उदारता, मर्सी मतलब दया, उदारता और दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, अर्थात आदमी का जो सबसे
उच्चतम जो गुणों में से एक होता है, सबसे अच्छे गुणों में से एक होता है, वह है उदारता और दया, जबकि दोनों मानव के पास होना चाहिए। और हम में कैसी ये चीज़ आ गया कि मैं अपनी इन सारी चीज़ों को त्याग करके एक मच्छर से अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने लगा था। लिखा है इन द एक्सरसाइज ऑफ द हाई क्वालिटी, और कह रहा इस मतलब उच्च श्रेष्ठता के मतलब अभ्यास में मैं किस तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ समझ लिया। आई कुड रिकवर, मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, कर सका माय प्रेस्टाइज मतलब सम्मान को, अर्थात मुझे मच्छर के प्रति इतना क्रूर नहीं होना चाहिए था, मुझे मारने के लिए इतना दौड़ना नहीं चाहिए था, और इस तरीके से मैं अपने इस गुण को दिखा करके मैं अपने अंदर क्या ला सका, अपने पुनः सम्मान को लेके आया, जो मानव के लिए एक गुण होता वह गुण में आ गया। लिखा एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में आई वॉज अ रिडिकुलस पर्सन, अर्थात उस मच्छर को मारने का प्रयास करके लेखक अपने आप में बहुत शर्मिंदगी है, और कह रहा आज की इस समय के वर्तमान समय में जो सबसे मतलब बेकार व्यक्तियों में से एक था। लिखा है अ थिंग फॉर लाफ्टर, मैं एक हंसी का पात्र था, एंड डिजर्शन मतलब उपहास, बस मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ था जो अपने आप को मैं महसूस कर रहा था उस समय सबसे बेकार व्यक्तियों में से एक, और सबसे हंसी का पात्र मैं, और मेरा सबसे बड़ा उपहास होने लायक मैंने कार्य किया था, जो अपने एक सबसे अच्छा जो उदारता और दया का जो गुण था मैंने त्याग करके एक मच्छर को मारने का प्रयास किया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। लेखक अपने आप को पछतावा कर रहा कि मेरे मुझसे श्रेष्ठ कौन है, वह मच्छर है। लिखा बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होने पर, बीइंग मर्सीफुल मतलब दयावान होने पर, आई कुड रिसर्च द मोरल डिग्निटी ऑफ अ मैन, गो बैक माई कॉर्नर एंड बीट आर्नर। कह रहा है बीइंग मर्सीफुल, दयावान होने पर आई रिसर्च मतलब फिर से पा लिया, फिर मान लिया द मोरल डिग्निटी, अर्थात इस तरीके से अपने आप में इस शर्मिंदगी को महसूस कर करके मैं अपने आप में दयावान महसूस करके उदारता ला करके पुनः मैं अपने अंदर जो मोरल डिग्निटी है अर्थात नैतिक जो सम्मान है जो गुण है मैं ला सका, मैन एंड गो बैक माई कॉर्नर विथ ऑनर, और इस तरीके से अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करके ये गुण ला करके दयालुता और दयावान का, अब मैं पुनः एक क्या किया कोने में ससम्मान के साथ जा करके मैं बैठ गया। लिखा आई विड्रा मतलब मैंने समाप्त कर दिया, आई विड्रा मतलब मैंने समाप्त कर दिया द सेंटेंस मतलब जो सजा था अब डेथ मतलब मौत का, अर्थात जो मच्छर के लिए मैंने मौत का सजा तय कर रखा था मैंने उसको क्या किया समाप्त कर दिया। आई सेड मैंने कहा रिटर्निंग टू माई सीट, जब मैं वापस लौट रहा था तो मैं मच्छर से कहा कि हमने तुम्हारी सजा को माफ कर दिया, हमसे तुमसे किसी प्रकार का कोई शिकवा गिला नहीं है, और तुम्हारे जितना मेरा अधिकार इस ट्रेन के डिब्बे में उतना तुम्हारा भी अधिकार है। इस तरीके से कहते हुए लेखक पुनः आया और कोने में बैठ गया। लिखा आई कांट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, आई कांट किल यू मतलब मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ, मैं तुम्हारी सजा को माफ़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा बोलने वालों में से नहीं, अर्थात इस तरीके से हमारे और तुम्हारे बीच में किसी प्रकार का कोई शिकवा गिला नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, बस मैं सिर्फ एक ही कार्य कर सकता हूँ जो मेरे फेवर में है, आई डू इट, और आई डू इट किसके लिए प्रयोग किया गया, तुम्हारे सारे शिकवे गिले को मैं माफ़ कर दिया, तुम्हारे पास कूपन नहीं इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पास टिकट नहीं इसका कोई मतलब नहीं, अर्थात तुम्हारे जितना भी मेरा भी अधिकार है, क्योंकि मैं मानव श्रेणियों में से एक हूँ, और मानव का जो प्रथम कर्तव्य होता है दयावान होना और उदारता होना, अब इस तरह से करके मुझे यहाँ पे सम्मान की ज़िंदगी जीने का एक अधिकार है, और मैं जी सकता हूँ, तुम भी सम्मान हो हम भी सम्मान हैं, और इस तरीके से एक तरीके से दोनों तरीके से कार्य करते हैं।